गाइस मेरा खेत रुक रहा है, देखिए ट्रैक्टर चल रहा है मेरे खेत में और ये पौध घूर रही है। ये पौध कर रही है, मेरे पापा लगे हुए हैं और मेरे काम कर रहे हैं मेरे खेत में और ये ट्रैक्टर खुद रहा है। देखिए पूरे खेत में बगले ही बगले आ चुके हैं। तो गाइस मेरे धान रोपे के लिए ये पौध खुरी आ रही है और खेत जुत रहा है और मैं तो जा रहा हूँ काम पर और शाम को मिलेंगे तब देखेंगे कैसे रुक रहा है। और मेरे तीन लड़के और आएंगे, ये खेत जोतेंगे तब जिसमें धान बुवेंगे और मैं शाम को आपको दिखाऊंगा कैसे बुवेंगे। और जो भर रही थी पौध आपको मैंने दिखाया, मेरे तीन लेबर लगी हुई, मेरे पापा लगे हुए हैं और जो पौध उगरेगी कम से कम 5 बीघा में गड़ेगी। अभी ट्रैक्टर चल रहा है 1-2 बीघा में, 1-2 बीघा तो जुट चुकी है। मेरा बहुत दूर है, 2-3 किलोमीटर दूर वहाँ पे है खेत, वो मैंने जुतवा दिया है। जो पौध जाएगी वहाँ पर और वो भी गड़ेगी आज ही, तो आपको दिखाएंगे शाम को। चलो तब तक के लिए शाम को मिलते हैं। देखिए गाइस इतने बीच में ये बोएंगे और पौध करेगी बोएंगे तब होगा हमारा ये खेत धान के लिए पूरा रुक चुका है, वो जुट चुका है। अब रुकने के लिए पौध उभरी जा रही है, तब करेगी तब गड़ेंगे पौध। इसमें लेबर आएगी 3 अभी थोड़ी देर में। अरे ये पौध डर गया, ये पौध डर रही है और उधर खुद रही है। ये पौध मैं फेंकूंगा, मेरा ये भतीजा है वो लौट रहा है। देखिए बहुत डर गया रे, चल देख पॉट पे बिछा रहा है ये, बहुत डर गया। इतनी सारी पौध इसने अकेले डाली है, देखिए तो छोटा बच्चा है जी। अभी मेरे गैया भी आई हुई है दिवाली, जे पढ़ रहा है इससे भी आई है, अभी कल ही भी आई सवेरे। जी मेरी गैया है, जे भी आई मेरी और भैंसे गैया है। देखिए जो मेरी ब्याई अभी कल कैसे खेल रहा है, चिल्ला रहा है। और जो मेरी छोटी बड़ी वाली की गैया की पड़िया है। गाइस पैर पूरा दिखाया, देखिए खेत जुत रहा है, शाम को दिखाएंगे तब ये गड़ेगा। तो गाइस देखिए मेरा ये खेत रुक चुका है और पौध इतनी उभर गई है वहाँ से वहाँ तक, और मेरा जो खेत रुक गया है और जो पौध थोड़ी बची हुई है जो दूसरा खेत रुकेगा। तो गाइस इतनी पौध बची है जो दूसरे खेत में लगेगी और तभी करवाएंगे क्योंकि अभी जुता रही हैं, इसलिए पौध करवाई नहीं है आज। 3 लेबर लगी थी, इतनी सारी भाग के रख दी और जो लेबर ने पूरा रोप दिया है और थोड़ी बहुत पौध बची हुई है, इसको हम करवाएंगे बाद में। देखिए पौध जी रखी हुई है, जो रखी हुई है, जो रखी हुई है और उधर रखी हुई है उस बरा में, और थोड़ी बहुत हम करके देखेंगे कैसे उखड़ती है। देखिए ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे उखा लेते हैं, ऐसे जर उखड़ जाती है तो इसको हम गाड़ देते हैं तो ये अपने आप हो जाती है। देखिए सारी कितनी सारी अभी पौधे, अभी 2 खेत की पौध लगी हुई है, 1 खेत रुका है, अभी 2 खेत रुकेंगे मेरे। पलंग झुंडी खड़ी हुई है, आज लेबर नहीं बुलाएंगे क्योंकि खेत नहीं रुका हुआ है, पलंग वहाँ जुता नहीं है, इसलिए जो रुक दिया है, एक जुट गया है उसको रुकवाएंगे आज। ये पौध लगी हुई है 400-500 गुंजी, इसको हम रुकवाएंगे पहले तब जो करवाएंगे, इसको हम उखाड़ेंगे। मैंने तो कभी उखाड़ी नहीं है, लेकिन ऐसे उखाड़ते हैं थोड़ी बहुत जड़ करिए तब उखाड़ते हैं, तब रुकवाएंगे तब आपको दिखाएंगे। ये तो देखिए जो पौध उखड़ी रखी हुई है इधर से इधर,
इतनी सारी पहले गड़ेगी तब जी उखड़ेगी। तो गाइस अब एक महीना होने वाला है, हमारी पौध इतनी बड़ी हो चुकी है। देखिए कितनी बड़ी पौध दिख रही है आपको, पूरे खेत में पौध बड़ी हो चुकी है और बगल वाली मोटी हो चुकी है। एक दो महीना बाद ये कटने स्टार्ट हो जाएगी, तब वीडियो बनाएंगे।